खबर एटा जनपद से, जहां कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुरूप जनपद भर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती सादगी उत्साह एवं हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर विभा चहल, एडीएम वित्त एवं राजस्व सुनील कुमार सिंह, एडीएम प्रशासन विवेक कुमार मिश्र सहित अन्य अधिकारियों कर्मचारियों ने सादगी के साथ डॉक्टर अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अथक प्रयास से ही 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया। वर्तमान में बढ़ते कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए सादगी से ही जनपद वासियों द्वारा अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। हम सभी को यह चाहिए कि शोषित वंचित गरीब व्यक्तियों को हर संभव मदद की जाए, साथ ही उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए। बाबा साहब के विचारों को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं, उनके बताए मार्ग पर चलें। एडीएम वित्त एवं राजस्व सुनील कुमार सिंह, एडीएम प्रशासन विवेक कुमार मिश्र ने कहा, अम्बेडकर जयंती आज पूरे देश भर में मनाई जा रही है। इसी क्रम में मुख्य विकास अधिकारी अजय प्रकाश, जिला विकास अधिकारी एसएन सिंह कुशवाहा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कार्यालयों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर मानवेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी व पटल सहायक एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। एटा जनपद से सतवान सिंह चौहान की रिपोर्ट।